समग्र शिक्षा सिद्धिपीठ तेलंगाना द्वारा प्रस्तुत है। कक्षा 7 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बाल बगीचा 2 का तीसरा पाठ हिंदी दिवस पृष्ठ संख्या 12 से 17 तक। पाठ 3 हिंदी दिवस पृष्ठ संख्या 13। सरिता और रोजी दोनों सहेलियां हैं, रास्ते में मिलती हैं, बातचीत करते हुए चलती हैं। रोजी, क्या बात है सरिता, तुम आज बड़ी खुश हो, कहां से आ रही हो? सरिता, अपने विद्यालय से, कल एक विशेष कार्यक्रम है, उसी की तैयारी चल रही है। रोजी, अच्छा, तो तुम्हारे स्कूल में भी हिंदी दिवस मनाया जा रहा है? सरिता, हाँ, कल 14 सितंबर है ना, इसलिए तो मैं तुम्हें बुला रही हूँ, मुझे भी गीत सिखा दो ना। रोजी, ठीक है, मैं तुम्हें सुनाती हूँ, ध्यान से सुनो और सीख लो। हिंदी सीखो, हिंदी बोलो, हिंदी को अपनाओ, आओ सब मिलकर गाओ, हिंदी दिवस मनाओ। सरिता, हिंदी दिवस 14 सितंबर को ही क्यों मनाते हैं? रोजी, हमारे अध्यापक ने बताया था कि 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी राज्य भाषा के रूप में अपनाई गई। सरिता, समझ गई, इसलिए हर साल इस दिन हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन हिंदी को ही देश की राजभाषा क्यों चुना गया? पृष्ठ संख्या 14। रोजी, क्योंकि हिंदी बोलने वाले हमारे देश में सबसे अधिक हैं, लेकिन तुम भी तो बताओ, तुम भाषण में क्या कहोगी? सरिता, तो सुनो, अभिनय करते हुए बताती है। प्रधान अध्यापक जी एवं गुरुजनों, सहपाठियों, आप सबको हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारे देश की राजभाषा है, इसे सीखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। सरिता ने भाषण में और क्या क्या कहा होगा?